आपने भी राइस ले रहे हैं? हाँ जी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कैसा रहा आपका सफर? अभी तो पिपी आई बड़ी थी। सुबह बड़ा बड़ा लॉन्ग से ये है, ऑलमोस्ट तकरीबन 9-8-7-8 घंटे का स्टे है। काफी लंबा स्टे की, काफी देर बाद स्टे किया, 10 बजे के बाद, नहीं 10 बजे के बाद अब किया। 10 बजे स्टे था एक, अब उसके बाद हाँ नूर 10 बजे के बाद अब स्टे किया सुबह 6 बजे। तो फिर हम सोते रहे यहाँ, ये हमारी गाड़ी खड़ी है और बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल थी, स्लीपिंग बस है। क्या कहते हो सनी? बहुत लंबा स्टे था, वॉशरूम जाना था सपने। अभी जो इसके बाद जो गाड़ी लेंगे ना, उसमें एक तो हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना। हाँ, वो फिर हम इकट्ठे बैठेंगे। इसमें तो हम जरा अपने अपने कैबिन में बैठे हैं और सोने बैठे हैं, सोने ही आए थे लगता है इधर से। हालांकि ये भी सफर लंबा है लाहौर से कोई चार। हाँ, लेकिन अच्छा गुजर गया, बस 2 घंटे रह गए अब। और वो आपको पहाड़ नजर आ रहे होंगे, तो यहाँ पे नमाज के लिए स्टे हुआ है। सुबह सुबह बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे, ठंड लग रही है। ये देख के विक्की को किस तरह करते। मैंने ये देखे शॉल ले लिए और इन लोगों ने अभी कुछ भी नहीं पहना। विक्की कैसा है आपका सफर?
और चनी आपका बहुत अच्छा है। इतना अच्छा, कितना अच्छा। नहीं अभी मतलब है कि ये अभी आपका स्टार्ट पॉइंट है। जो कहते हैं ना कि जो मलाई है और जो क्रीम है वो अभी बाद में मिलेगी। उसकी भी बात है, क्रीम क्या, कौन सी क्रीम? क्रीम मतलब कि इसका जो आपको रिटर्न मिल रहा है ना, जो आपका थकावट का रिटर्न। नहीं ये तो बहुत बात गलत है ना, स्पेशल मलाया और अब आपने बात नहीं करनी। ओके भाई, तो अभी हम तख्तान की तरफ रवा दवा है क्वेटा से, और तकरीबन कल तख्तान के बिल्कुल करीब हैं हम। और ये ड्राइवर साहब हैं हमारे, जो कि हमें क्वेटा से तख्तान लेके आए हैं खैर वाकियत से, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे सबसे पहले तो। और अभी इनसे कुछ सवाल पूछूंगा, पहले तो ये कह रहे हैं कि जी मैंने कोई बात नहीं करनी। वीडियो नाम तन के तो आप ही बता दो, मां शमशा करोली अच्छा लोग का बहुत अच्छा रहा कि बात नहीं चाहिए तो जबरदस्त रखना तो बात है। अच्छा पहले मुझे ये बताएं कि आपका नाम क्या है? सलाहुद्दीन साहब हमारे गिफ्ता गिरा। आप ये बताएं कि सिर्फ पूरे के हम शमशा करोली ये हम रात को कर सकते हैं? हां क्वेटा से तख्तान का सफर रात को हो सकता है? हो सकता है, कोई मसला कोई परेशानी तो नहीं होती। अच्छा अगर हम अपनी गाड़ी पे जाना चाहें क्वेटा से जा सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं होता। अच्छा क्वेटा से तख्तान का जो है वो टोटल डिस्टेंस कितना, रास्ता कितना है, कितने किलोमीटर बनता है? 370 किलोमीटर। 600? वही मैं कहूँ 370 किलोमीटर और तकरीबन 8 घंटे लगा देता। 9 घंटे का रास्ता क्वेटा से तख्तान की तरफ आ गए हैं और बस हो गई है और इन्होंने सुबह 8 बजे दोबारा फिर जाना। खैर हमने भी सुबह 8 बजे सफ़र शुरू करना है आगे का, अल्लाह खैर करे। तो आप ये दिल्ली राउंड करते हो? दिल्ली राउंड हो गया आप? सही है, ज़बरदस्त है। चले और अपने बारे में कोई आप बात कहना चाहें वीडियो में तो आप कहते हैं? ये बस में इनके ये हेल्पर हैं और ये पीछे हमारे भी आ गए हैं सारे दोस्त साहब। ठीक है, ये सनी भाई विक्की भाई हैं और ये भी हमारे साथ मरियम और दो। ठीक हो गया, बल्कि मैं इनके साथ हूँ, आप सही है? हम लोग तौफान पहुँच चुके हैं और ये हमारे सारे बैग हमारे, अब हम जाएंगे होटल और चलें जी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ताफ्तान और खाना भी हमने खा लिया, वीडियो बनाना मुझे याद नहीं रही। तो अभी हम आए थे बाहर कुछ चीज़ें लेने, तो हमने कल सोचा कि अभी व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करके फिर ही जाते हैं रूम में। रूम्स भी हमारे अच्छे हैं, बेसिक से बहुत अच्छे हैं, साफ़ सुथरे, मैं आपको दिखाऊँगी। तो कैसा रहा आप लोगों का ताफ्तान वाला सफ़र? अच्छा रहा, लेकिन थक गए हैं। हाँ जी विक्की, आपने तो दूसरी दफ़ा किया, आपको क्या फील हो रहा है? नूर हाँ थक गए हैं लेकिन सही है। हाँ यही तो, फिर अब सफ़र तो करना पड़ेगा आगे जाने के लिए तो, लेकिन ये है कभी रेस्ट करेंगे तो वो सफ़र भूल जाएंगे। चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सुबह देखते हैं, सुबह दिखाएंगे आपको। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ओके अल्लाह।